हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि 4G फोन में 5G डाटा यूज कैसे करते हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं 4G फोन में 5G नेट कैसे चलाते हैं, आपके पास 4G फोन है उसमें 5G नेट चलाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, मैं आप सबको सही तरीका और जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से अपने 4G फोन में 5G नेट चला सकते हैं। मैं आप सबको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो फोन है, एक 5G फोन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि 5G नेट काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे पास एक 4G फोन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4G नेट काम कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बताऊंगा कि 4G फोन में 5G डाटा यूज कैसे करते हैं, कैसे आपको सेटिंग करना है ताकि आपके 4G फोन में नेट काम करे। दोस्तों, आपको इस वीडियो को ज्यादा से स्किप नहीं करना है। दोस्तों, मैं आप सबको कुछ बेसिक सेटिंग बताने वाला हूं, इसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपके 4G फोन में 5G नेट काम करने लगेगा। और दोस्तों, मैं आप सबको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फोन में 5G नेट काम करे। तो फ्रेंड्स, ये वाला फोन हमारा 5G है और दूसरा वाला फोन हमारा 4G है। और इस फोन में मैं 5G नेट काम करके दिखाऊंगा और देखिए कैसे 5G इसमें नेट काम करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने सिम पर 5G डाटा एक्टिवेट करना है। यदि आप जियो का सिम चलाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अपने फोन में माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको 5G डाटा एक्टिवेट करना है। यदि आप एयरटेल का सिम चलाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अपने फोन में एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो फ्रेंड्स लॉगिन होने का पेज आएगा। तो फ्रेंड्स आपको अपना एयरटेल का नंबर डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। यदि आप जियो का सिम चलाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अपने फोन में माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उसमें फ्रेंड्स आपको 5G डाटा एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने 4G फोन को 5G में अपग्रेड करना है। ठीक है, जिसके लिए फ्रेंड्स अपना एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एयरटेल का नंबर डालकर लॉगिन कीजिएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों, आप नीचे आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलता है क्लेम 5G डाटा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक बहुत ही आसानी से 5G डाटा एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मैं आप सबको कुछ सेटिंग बता रहा हूँ जिसका फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने 4G फोन में 5G नेट आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने पर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है मोबाइल नेटवर्क, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आप जिस सिम से नेट यूज करना चाहते हैं, 5G नेट यूज करना चाहते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिम वन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह करने पे आएगा जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलेगा नीचे प्रीफेड नेटवर्क टाइप, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको सर कुछ इस तरह करने पे आएगा जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, पे देख सकते हैं कि हमारा 4G फोन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4G का ही ऑप्शन मिल रहा है, 4G 3G का ऑप्शन मिल रहा है, 5G का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और फ्रेंड्स वही मैं आप सबको यहाँ पे 5G फोन में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेटिंग ओपन करते हैं। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करते हैं। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिम पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह करने पे आएगा और फ्रेंड्स जहाँ पे लिखा है प्रीपेड नेटवर्क टाइप, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 5G का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 4G वाले फोन में हमें 5G का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 4G का ऑप्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बताना चाहता हूँ, फ्रेंड्स 4G फोन में 4G का ही बैंड लगा होता है, जिस कारण से फ्रेंड्स आप 4G फोन में 4G नेट आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 5G फोन में 5G का बैंड लगा होता है, जिस कारण से फ्रेंड्स आप 5G फोन में 5G नेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं 4G फोन में 5G नेट चलाने के लिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 5G का बैंड लगाना होगा, तभी फ्रेंड्स आप अपने 4G फोन में 5G डाटा यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप 5G का बैंड लगाते हैं ना, तो फ्रेंड्स बहुत ही महंगा आता है। दोस्तों, इतने में आप एक फोन ही खरीद लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा है कि यदि आप 5G नेट यूज करना चाहते हैं ना, तो फ्रेंड्स आपको एक 5G फोन ही लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप सबको बताया जाता है कि 4G फोन में 5G डाटा कैसे चलाए, कैसे यूज करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो को आपको यकीन नहीं करना है। ठीक है, आप अपने 4G फोन में 5G नेट नहीं चला सकते। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मुझे एक ही है कि फ्रेंड्स हमारे पिछले वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था कि 4G फोन में 5G नेट कैसे चलाए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप सबको सच्चाई बता ही देता है कि क्या सच्चाई है, क्या आप अपने 4G फोन में 5G नेट चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आप अपने 4G फोन में 5G डाटा यूज नहीं कर सकते, आपको 5G फोन ही लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट फॉर्म या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के काम से पूछ सकते हैं।